मेरा नाम डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सलूजा है। मैं आईवी हॉस्पिटल मौली में एज अ डायरेक्टर एंड हेड कार्यरत हूँ। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या एजुकेशन प्रोग्राम हमने रखा है वो एक नई टेक्निक जिसको TMT टेक्निक कहा जाता है उसके बारे में लोगों को रूबरू और जागरूक करने के लिए रखा गया है। TMT का मतलब ट्रू मोशन टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों के घुटनों की नेचुरल मोशन है उसको विद इन नो टाइम हम वापस कर दें इस टेक्निक द्वारा। इस टेक्निक का जो विशेषता है उसका जो मूल उसका ध्याय है वो ये है कि चीरा कम से कम हो गया है, सर्जरी 10 से 12 मिनट की रह गई है, पेशाब की नली नहीं, खून की नली नहीं, रीढ़ की हड्डी में कोई पाइप नहीं पड़ती, 4 से 6 घंटे में पेशेंट चलने लायक हो जाता है, ICU में रहने का कोई डर नहीं है, अपनी फैमिली और परिवार में 4 से 6 घंटे में वापस जा सकता है, एक दिन वॉकर के साथ और अगले दिन बिना वॉकर बिना किसी सहारे के चलना फिरना शुरू कर सकता है, दूसरे तीसरे दिन अपनी सीढ़ियाँ कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि चीरे वाली जगह पे कोई टांका नहीं आता, तो ना खुलवाने का झंझट है, ना वापस फॉलोअप का झंझट है, ना टांके खुलवाने का कोई दर्द झेलना पड़ता है। ये टेक्निक रिप्लेसमेंट टू रीसर्फेसिंग हर तरीके की समस्या में कारगर है। पहले शब्द रिप्लेसमेंट यूज़ होता था लेकिन आजकल जो शब्द यूज़ किया जा रहा है वो रीसर्फेसिंग है। रीसर्फेसिंग का मतलब घुटने का जो पदार्थ ख़त्म हो गया है उसको हम वापस रीसर्फेस करके वापस कर दिया जाता है। तो मेरी लोगों से यही दरख्वास्त है, समाज से यही दरख्वास्त है कि जिनको भी घुटनों की समस्या तंग कर रही है वो अपना कंसल्टेशन लेने के लिए IB हॉस्पिटल मोहाली डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सलूजा जी से ज़रूर मिले, एक बार उनकी राय लें, अपनी समस्या को समझें, उसमें अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ही कराएं, अगर उनको लगता है कि नहीं ये ज़रूरत नहीं है तो उसका उपचार फिजियोथेरेपी दवाइयाँ अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कुछ ऐसे नुस्खे जिससे घुटनों को हम बचा सकते हैं उनका प्रयोग करें, और उसके तहत या उसके बावजूद अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो जो इसका फाइनल ट्रीटमेंट है उसकी तरफ जाएं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग NT24 न्यूज़, द नेशनल टेली 24 न्यूज़।